नमस्कार दोस्तों, ओल्डिस प्रोडक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं उसी तरह दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए बहुत से सबसे सस्ता सैटेलाइट फाइंड लेके आया हूँ, जिसकी दोस्तों अनबॉक्सिंग प्लस सेटिंग बताऊंगा। तो यहाँ बात करते हैं दोस्तों डिश सेटिंग के लिए। हमें वैसे तो दोस्तों डिश सेटिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे सैटेलाइट फाइंड आ रहे हैं, लेकिन कुछ का बजट कम होता है, कुछ का बजट ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम कम बजट के अंदर डिश की सिग्नल सेटिंग करना चाहें तो हम इस तरह का सैटेलाइट फाइंडर भी ले सकते हैं। कई लोगों के सवाल होंगे कि क्या कांटे वाले के जैसा? नहीं दोस्तों, मैन होता कांटे वाला सुई पे काम करता, इसमें एलईडी डिस्प्ले है, इसमें नंबर चलते हैं और लाइनिंग चलती है। तो मैं आपको पूरी सेटिंग बताऊंगा कि किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो जानकारी के लिए दोस्तों पूरा वीडियो देखोगे तभी आप इस सैटेलाइट फाइंडर के बारे में समझ पाओगे कि ये बेस्ट है या नहीं। बात करते हैं कंपनी का, तो डीबीसी कंपनी का है और डिजिटल फाइंडर है और एलईडी यहां डिस्प्ले है और इसका मॉडल नंबर है 52D। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसे यूज करने का जो तरीका है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसमें दोस्तों बजर है 13 वोल्ट, 18 वोल्ट है और 22 के हर्ज़ है। और यहाँ बात करते हैं डीसी पास टू एलएमबी और एलसीडी डिस्प्ले है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, खोलते हैं पैकेट को और फिर आपको दिखाते हैं किस तरह का सैटेलाइट फाइंडर है। एचडी की बात करते हैं तो यहाँ फुल एचडी सैटेलाइट फाइंडर है। पैकिंग की बात करते हैं तो बहुत अच्छी पैकिंग में, तो यहाँ देखिए दोस्तों पैकिंग से मैंने सैटेलाइट फाइंडर को बाहर निकाल लिया है और यहाँ दो पोर्ट होते हैं, यहाँ एक होता है इन और एक आउट, यानी आपका यहाँ इन एलएमबी है और यहाँ सेट रिसीवर या सेट टॉप बॉक्स का वायर लगेगा। यहाँ अंदर चूड़ियाँ हैं और आप सर्विस केबल बनाओगे, जो सर्विस केबल यहाँ लगेगी। इस सैटेलाइट फाइंडर में पूरी अगर सेटिंग के बारे में जानोगे तो दोस्तों पूरा वीडियो आपको देखना होगा। यहाँ बात करते हैं एलएमबी की, अगर आपको सर्विस केबल लगाना है तो एलएमबी इन पे लगेगा, अगर आपको रिसीवर का लगाना है तो रिसीवर पे लगेगा। जैसे सेटअप बॉक्स से वायर आ रहा है तो आपका यहाँ कनेक्ट होगा, यही चीज़ समझने की। और इसमें सिग्नल सेटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा आगे। यहाँ दोस्तों ये कंपास होता है, ये कंपास आपको दिशा बताने के लिए यूज होता है। आप जो आपके यूरी सोलेड इन सब में अधिकतर कंपास आता है, तो इस डिजिटल फाइंडर में भी एक कंपास है जो आपको दिशा संकेत बताने के लिए काम में आता है। यहाँ जो चार लाइटें हैं, इसके हर्ज़ है 0 के हर्ज़ है, 13 वोल्ट, 18 वोल्ट, ये चार लाइट है। चारों लाइटों का अलग अलग डायरेक्शन होता है, अलग अलग जैसे ही आपके सैटेलाइट मिलेंगे तो चारों लाइटों के अलग अलग ऑप्शन होते हैं कि कौन सी लाइट का कहाँ काम है। तो दोस्तों इस तरह का यह है सैटेलाइट फाइंडर। यहाँ बात करते हैं तो एक बिल्कुल बजर का छेद है जहाँ जालियाँ लगी हुई है, पीछे का फ्रंट आप देख सकते हो, इस तरह का ये सैटेलाइट फाइंडर है। आप इससे कैसे यूज करें, कैसे इससे डिस्क सिग्नल सेटिंग करें, कौन कौन से डिस्क सिग्नल सेटिंग करें, तो मैन होता है दोस्तों इस सैटेलाइट फाइंडर से आप डीडी फीड सेट कर सकते हैं, वीडियो कॉल सेट कर सकते हैं, टाटा स्काई सेट कर सकते हैं और एयरटेल सेट कर सकते हैं। यानी इस सैटेलाइट फाइंडर से आप चार डिस्क सिग्नल सेटिंग कर सकते हैं। पांचवा दोस्तों कई लोग कहेंगे पांच भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ जैसे आप कांटे वाला मीटर यूज करते हो वैसे ही दोस्तों ये होगा। और इससे आप जैसे ही यहाँ अगर आप मिलाओगे तो इसके जो सिग्नल मिलाने का जो तरीका है, इसमें आप कम नंबर रखना, 50-60 की रेंज पे आपको रखना होगा। जैसे ही 50-60 की रेंज पे आप रखोगे डिश हिलाओगे तो आपका जो जहाँ सैटेलाइट मिलेगा वहाँ इसकी रीडिंग भगेगी, आगे होगा। तो आपको जैसे कांटे वाले मीटर से यूज करना होता है वैसे ही दोस्तों इसे यूज करना होता है, इससे अलग नहीं है। ये एक कि जैसे आप समझते हो जैसे इसमें फिट कर दिया वीडियो कॉन तो वीडियो कॉन सेट होगा, वैसा नहीं है। लेकिन यहाँ जैसे आप कांटे वाला यूज करोगे वैसे ही दोस्तों ये इसे यूज कर सकते हैं। और इससे दोस्तों आप एलएमबी चेक कर सकते हैं। अगर तो आपको एलएमबी चेक करने का वीडियो चाहिए इस मीटर से तो मुझे कमेंट कर देना। और इस मीटर से आप सेट टॉप बॉक्स भी चेक कर सकते हो कि आपका सेट टॉप बॉक्स खराब है या नहीं है। तो ये एक आपको तीन काम के लिए ये सैटेलाइट फाइंडर बेस्ट है, आपका डिश एंटीना सेट करने के लिए, एलएमबी चेक करने के लिए, आपका सेट टॉप बॉक्स चेक करने के लिए। तीनों के लिए दोस्तों ये बहुत ही बेस्ट सैटेलाइट फाइंडर है। अब दोस्तों मेन होता है इसकी कॉस्ट क्या, सभी लोग ये पूछेंगे इस सैटेलाइट फाइंडर की कॉस्ट का। तो दोस्तों आपको इसकी जो प्राइस के बारे में बता देता हूँ, 450 रुपये का अप्रोक्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, अगर आपको ऑनलाइन या आपके जो लोकल मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिले तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट की जानकारी आपको मिले। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ पूछना है, कुछ आपके सवाल है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा।